रात के टेम्पू हम दूध दूह के भैंसिए लगा के चौराहा गई उतने घर में टेम्पू कह के ले आके अपन ले के चल दिए। अच्छा, मालती को टेम्पू से लेके गए थे? हाँ। ये खबर मिली कि मालती मर गई तो मैं फुआ के यहाँ फोन किया, बोला हुआ कि हाँ मर गई। अर्जुन कैसे यहाँ तक पहुँचा? अर्जुन ऐसे काना घूमत फिर रहे करत रहने काना है। हाँ, हम देख के जरी ते काना है, सब रोके वो रोके वो रोके। विष्णु राज के नाना हैं ये, उस वक्त तो घर पे ही रहे होंगे। थोड़ा सा आप सुनिए, ये जो घटना हुई है मालती चौहान के साथ, मालती चौहान ने खुद किया है या आपको क्या लगता है किसी ने उनको उनके साथ ऐसा किया है? के रहल है के हुनाल रहल है? नहीं, आप तो उनके नाना है तो आपको तो कुछ पता होगा। कुछ पता ना भाई, कहते हम हरवा एक लेखा खुदे खाता नहीं। घर पे आप थे कि नहीं थे? घरे रही जाते हम यही गोरू लग से वो हर हाली जाबे नहीं। विष्णु राज अभी 2-3 दिन पहले उनका समझौता हुआ था, पति पत्नी अभी दोनों साथ में रहेंगे, तो दोनों साथ में रहते थे कि नहीं? भाई वो अपन स्टूडिया पर सब आवत जाते रह, स्टूडिया पर रहने अब वो अपन अकेले यहाँ रहते। तो उनको उनको साथ में रहना चाहिए ना, आप उनके नाना समझाना चाहिए ना कि जो गलती हो गई उसको जब उनके घर उनको घर पे लाए हैं तो उनके साथ में रहिए। अरे भाई अब केहू हमारे कहल बतिया नहीं माने वाला है, न वो मानती रह न वो मानत रह। दोनों जन इनका साफ कहना है कि दोनों लोग उनका बात ही नहीं मानते थे। और अच्छा, विष्णु राज का ये घर है या अपने ननिहाल में रहते थे? उनके माई के ननियाउर है विष्णु राज के। हाँ। यहाँ पे कब से रहते थे? अरे तो बचपन से काना ओन पाँच के हम ही पलली है तत बड़ा रहना तब बैस। अच्छा, शादी मालती चौहान से आपने ही आप लोगों ने ही करवाई थी? ना है वो वहाँ समय सना तो ही मंदिर में भाई बा। नहीं तो शादी तो आप लोगों की मर्जी से हुई रही होगी ना उनकी? उनकर दादा पहले ऐसे देख के गई ना कहे कि काना है करा करा बाबू घर बेचब तब करब शादी। अच्छा, तो ओहू माई मर गई नहीं हमारे औरत मर गई। अच्छा, वही में अपन दोनों जनी। ये अर्जुन कैसे यहाँ तक पहुँचा? अर्जुन ऐसे काना घूमत फिर रहे करत रहने काना है। हाँ, हम देख के जरी ते काना है, सब रोके वो रोके वो रोके। अच्छा, अर्जुन कैसे यहाँ तक पहुँचा? अर्जुन ऐसे काना घूमत फिर करत रहने काना है। हाँ, हम देख के जरी ते काना है, सब रोके वो रोके वो रोके। अच्छा, आप मना करते थे तब भी लोग आपको ही रोकते थे क्योंकि मना कर रहे हैं? हाँ। देखिए, इनका साफ कहना है कि हम रोकते थे उनको अर्जुन को, लेकिन वो मानते नहीं थे, उनको बोलते आखिर अर्जुन इसमें अर्जुनों का हमको जानकारी कि अर्जुन तूने हमारे घर ही आवा है। हाँ, वो नहीं माना। तो ये बताइए नाना जी, कहीं ना कहीं इसमें अर्जुन दोषी है कि नहीं है? अगर उन्होंने ऐसा कहे हमें नहीं, वह टेम्पू कहले हमें कहे नहीं। कैसन टेम्पू? रात के टेम्पू हम दूध दूह के भैंसिए लगा के चौराहा गई उतने घर में टेम्पू कह के ले आके अपन ले के चल दिए। अच्छा, मालती को टेम्पू से लेके गए थे? हाँ। तो अभी अभी इस बारे में कुछ, मालती चौहान यहाँ पे 2 दिन पहले आई थी तो ठीक ठाक दोनों लोग मिलजुल के रहते थे? तब रहना भाई। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि मालती चौहान ने अपने आप को ख़त्म कर लिया? यही खातिन ओकर माई ओकर भाई या बाप भेजना कि जाके ते मर जो उनके फांस। अच्छा, एक चीज जान जी बताइए, राहुल चौहान कौन है? राहुल चौरसिया? ओ हर का हमारे कान कौन गाँव का हम ना जानते गाँव है, लेकिन उन्होंने ही कॉल रिकॉर्डिंग मालती का विष्णु राज को दिए थे। अरे आवे तो आवे नहीं, जो बात होती थी अर्जुन और मालती के बीच में तो वही ये राहुल चौरसिया ने ही दिया था उनको। चाचा देखिए, ये उनके नाना जी थे और ये बता रहे हैं कि हम उनको मना करते थे जब आते थे वो विष्णु अर्जुन वहाँ पे आते थे तो हम उनको मना करते थे, लेकिन जब वो मना करते थे उनके नाना तो विष्णु राज ही शायद उनको डांटते थे कि आप मना क्यों कर रहे हैं, आने दीजिए उनको यहाँ पे। और आज देखिए क्या हुआ चाचा, कौन बोल रही है? वो मालती कहे का नाना तू बोला ला। अच्छा, मालती कहाँ आपको मना करती थी, क्यों बोल रहे हो? हाँ। अच्छा, विष्णु राज नहीं बोलते थे? वो ही कहला तब कुछ करीब करीब वीडियो जो अपन बनावत रहे तब काना बोल दे थे काना है। हाँ। नाना। हाँ। हाँ। मालती चौहान इनको मना करती थी कि आप क्यों रोक रहे हैं विष्णु अर्जुन को यहाँ से आने के लिए। देखिए, आखिर इन लोगों का विवाद इतना बढ़ा कि आज मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, उनकी जान चली गई। आइए, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, इनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं।
आखिर ये लोग यहाँ पे कैसे, खबर इनको मिली और यहाँ पे कैसे आए हुए हैं? भैया कहाँ से हैं आप? भैया काली जगदीशपुर से। काली जगदीशपुर से। इस मामले को आप कब से जानते थे? ये तो पूरा यूट्यूब पे जानते ही हैं। हाँ हाँ। आप लोग, ये तो मैटर ढेर दिन से चल रहा था, लेकिन ये हमको मालूम नहीं है कब से हुआ। इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? दोषी भैया अभी हम किसी को बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है। नहीं, आप YouTube देखते थे, उनका चैनल फॉलो करते थे, तो ये तो मामला पता ही होगा किसमें था कौन। भैया झगड़ा दोनों लोग में चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये जो शादी विष्णुराज करवाए थे, ये सही किए थे? नहीं, सही नहीं किए थे, लेकिन भाई इस पे कोई दबाव अगर डाला होगा तभी ना करवाया है वो अगला। नहीं, किसी के दबाव से हम अपनी पत्नी की शादी हम नहीं होते कि किसी और से करवा दे, अपनी सिर्फ अपनी मर्जी से। उसमें हमारा परिवार भी होगा, हमारे नाते रिश्तेदार भी होंगे, उस पत्नी के, मालती चौहान के भी तो घर वाले होंगे, उनको पहले उनको सूचना देना चाहिए था, प्रशासन को सूचना देना चाहिए था। हाँ हाँ, ये देना चाहिए था। तो कैसे आपको पता चला कि ये मालती चौहान इतनी बड़ी, उनके साथ ऐसी घटना हो गई? भैया हम घर पे सोए थे, उसके बाद हल्ला हुआ तो यहाँ आए घूमने के लिए, तब पता चला हमको, तब यहाँ देखने के लिए आ गए। अच्छा, मालती चौहान विष्णुराज को आप जानते थे? हाँ जानते हैं, जब गांव के बगल के हैं तो जानते हैं। और अर्जुन को? अर्जुन को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो भी आते थे, उनको भी थोड़ा जानने लगे थे। और राहुल चौरसिया को? राहुल चौरसिया ये सब पूरा यूट्यूबर हैं भैया, उतना मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो वहाँ खैलाबाद के रहने वाले हैं और हम यहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ उतना जानेंगे। आइए, ये एक पड़ोसी दिख रहे हैं, ये उनकी मौसी, विष्णु राज के मौसी का ये घर है। देखते हैं यहाँ पे कोई है कि नहीं है, यहाँ पे कोई तो नहीं दिख रहा है। एक चाची है। चाची कहाँ घर है आपका? घर है। हाँ, तो थोड़ी खड़ी रहे ना। कहाँ है? अरे हमारे फुआ है नाई, देहाती आदमी है। अच्छा, आपकी फुआ है। आप इधर देखिए थोड़ा से। अरे हम नाई, हम तो बरौली घर है हमारे। कैसे आपको खबर कैसे मिली है? यूट्यूब पे देखा हूँ, फरेनिया चौराहे पे गया था पलाई खरीदने, फिर वहाँ से खबर मिली कि मालती मर गई। तो मैं फुआ के यहाँ फोन किया, बोला हुआ कि हाँ मर गई। इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? अब क्या बताऊँ, हालात के हिसाब से इनका घर है, इनका परिवार है। अब देखिए परिवार में कुछ भी हो सकता है, क्या किया क्या नहीं। हाँ, इसमें मामला तो आप जान ही रहे होंगे कि विष्णु राज ने अपनी पत्नी की शादी खुद करवाई थी। एक बात बताऊँ, कोई गलती विष्णु की नहीं है, विष्णु सही है, ठेला से मेहनत करके यहाँ, हमें ये पता है कि ठेला से मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन जब सुलह समझौता हो गया तो उन्हें पति पत्नी की तरह साथ में रहना चाहिए था कि नहीं? रहना चाहिए था। तो फिर हो सकता है डिप्रेशन में आके ऐसा किए हो सकता है, ये भी हो सकता है। दोषी है कि नहीं विष्णु? हाँ नहीं, विष्णु नहीं दोषी है। फिर दोषी कौन है? दोषी मालती है तो मालती, इसमें और कोई नहीं है? विष्णु राज उसका कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करते हैं, उसको बेइज्जत करते हैं। हाँ, ये कहाँ तक सही बताइए? मैं इतना तो यूट्यूब देखता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक है वहाँ तक गलती मालती के मैं मानता हूँ। अगर मान लो समझौता हो गया, परिवार में किसी से भी गलती हो सकती है, आपसे गलती हो गई तो क्या आपकी बीवी आपको छोड़ देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी गलती हो गई, मेरी वाइफ मुझे छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। दोनों मिल के रहो, लेकिन नहीं रहो। कहीं ना कहीं इसमें अर्जुन भी सबसे बड़ा दोषी है, वो इनके घर पर भाई बन के आया और ऐसा कांड किया। वो तो पापी है, वो तो पापी है, मैं तो कहूँगा वो पापी है। वो अपनी पत्नी रहते हुए भी दूसरी पत्नी के ऊपर नजर डाली, वो तो पापी है। लेकिन उस नजर डालने का एक बात बताओ, भाई बन के बहन के साथ जो ऐसा काम करे वो इंसान है? हिंदू समाज में कहाँ लिखा है, कहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर उन्होंने अगर जान ही गए थे तो उनको रोकना चाहिए था ना, क्या पब्लिकली करना जरूरी था, बेइज्जत करना किसी को जरूरी था? बेइज्जत करना जरूरी नहीं था, इसकी सबसे बड़ी गलती यही थी। अगर वो मछली बनाती थी तो भी डाल देता था, अगर लैट्रिन चार बार जाती थी वो भी डाल देता था। गलती थी कि नहीं थी? गलती थी। हर एक चीज़ इंटरनेट पे डालना जरूरी? हाँ नहीं, अगर इनको कॉल रिकॉर्डिंग इनको मिल गई तो कम से कम उसको अपने पास रखे होते। और जो ये कॉल रिकॉर्डिंग दिया, क्या हो सकता वो भी घर को उजाड़ना चाह रहा हो? हाँ, हो सकता। रिकॉर्ड करके वो रख रहा था? क्यों रिकॉर्ड करके रख रहा था? हो सकता इसके मन में पहले से साजिश चल रही हो। उसको भाई मानते बोलते, उसने मेरी जान बचाई है। राहुल 41 कॉल रिकॉर्डिंग राहुल के पास कैसे आई? विष्णु दिया होगा का। राहुल और ये अर्जुन और मालती जब बात करते थे तो सब कॉन्फ्रेंस करके बात करते थे। अच्छा, 41 रिकॉर्डिंग फिर विष्णु राज को दिया। आग तो वही लगाने वाला है ना। हाँ,
तो एक बात बताइए, बिश्नु गलती इसमें थोड़ी है, वो तो दोस्त बना के या कुछ भी कह के ऐसा रिकॉर्डिंग चलो बात कर रहे हैं यूट्यूब के बारे में या बिजनेस के बारे में अपने बात कर रहा होगा। अब ये किसको पता था कि कैसे कैसे क्या कर रहे हैं लोग, क्योंकि 36 का आंकड़ा था पहले, ये बिश्नुराज और राहुल के बीच में पड़ता नहीं था। क्या बात ऐसी हुई कि इनसे इतना संबंध बनाया? और राहुल के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। राहुल चौरसिया उनका नाम है, उनके फ्रेंड है, उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो देखिए उनके आप कौन हैं, किसके? मालती चौहान? कुछ नहीं। अच्छा हाँ, तो पास मेरा तो रिश्तेदारी यहाँ पे है, मैं बरौली से हूँ। देखिए ये भी आए हो खबर सुन के, ये भी वहाँ से आए हैं। बाकी आप लोग वीडियो देखकर जरूर कमेंट करिएगा इसमें असली दोषी कौन है, जो आज तक ये वीडियो हर एक चीज। असली दोषी मेरे हिसाब से दो ही आदमी हैं, एक मालती और एक अर्जुन। सारी गलती बिश्नु की हो मैं मानता हूँ, लेकिन भाई बहन बन के जो रिश्तों को तरंतार किए हैं सबसे बड़ी गलती दोनों की है, और किसी गलती नहीं। अगर बिश्नुराज जान ही गए थे हमारी पत्नी ऐसी है तो उनके मायके में खबर किए होते, उनके पिताजी को बुलाए होते, उनके घर वालों को बुलाए होते, अपने रिश्तेदारों को बुलाए होते, प्रशासन को बुलाए होते कि भैया हमारी पत्नी ऐसी है इसके साथ रहना चाहती है, तो इसका तलाक दे के मालती को उसके साथ कर दिए होते कानूनी तौर पे। क्या जरूरत थी 12 बजे रात को जाकर? बात बताइए, मैं यूट्यूब में देखा था कि हाई कोर्ट से फैसला लाया था, वहाँ से तलाकनामा करवा के सब कुछ करवा के फिर जाके शादी करवाया था। वीडियो में ऐसा चाहे फेक हो चाहे जैसा, अगर वहाँ पे फैसला आएगा तो शादी वहीं पे करेंगे ना। हाँ, तुम्हें कौन अधिकार देता है? कोई नहीं, कानून कराएगी ना। फिर अगर कानून के अंदर चले तो तुम्हें कौन अधिकार दे रहा है? झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? झूठ बोल रहा है। और ये भी दिखाया गया है कि सिंदूर नहीं था, वो अबीर था। कुछ भी हो, अगर किसी भी महिला के मांग में डाल दे कोई इस तरीके से। हाँ, और वो भी आप खुद करवा रहे हो, और रात तक ये साबित करते रहे कि हाँ हमने शादी करवाई है, अर्जुन के साथ रहेंगे, ये गलती है इसकी। जो भी मामला है दोस्तों, देखिए इस मामले में मालती की जान चली ही गई। अभी कौन दोषी है, राहुल दोषी है, बिश्नुराज दोषी है, या अर्जुन दोषी है इसमें? अब तो गई, अब तो दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं, लेकिन तो गई, गलती हुई है इन लोगों से, और इसमें ये सभी लोग दोषी हैं। अगर ये लोग ऐसा नहीं किए होते तो आज मालती चौहान जिंदा होती। धन्यवाद।